इंडिया में आपको 20 से भी ज्यादा अलग अलग सीपैप मशीन्स मिलेंगी जिनके प्राइस वेरी करते हैं 25,000 से 65,000 के बीच। कुछ लोग सबसे सस्ता मॉडल ढूंढ के परचेस कर लेते हैं और कुछ लोग ब्लाइंडली सबसे महंगी मशीन परचेस कर लेते हैं ये सोच के कि ये तो बेस्ट होगी ही। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक सीपैप मशीन परचेस करने से पहले कौन सी फीचर्स आपको चेक करनी है ताकि ना ही आपको ओवरपे करना पड़े और ना ही इंपॉर्टेंट फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज। हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव कायस्था, अ बायोमेडिकल इंजीनियर एंड द फाउंडर ऑफ oxygentimes.com। और इस वीडियो में हम 7 पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपको जरूर चेक करने एक ऑटो सीपैप मशीन परचेज करने से पहले। पॉइंट नंबर 1, मशीन का एल्गोरिदम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू चेक बिफोर बाइंग एन ऑटो सीपैप मशीन। मार्केट में दो टाइप की ऑटो सीपैप मिलेंगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड एल्गोरिदम वाली और दूसरी एडवांस्ड। मैं पहले की वीडियोस में भी ये मेंशन कर चुका हूँ, एडवांस्ड एल्गोरिदम वाली मशीन्स का कंफर्ट बहुत ही अमेजिंग होता है और कंफर्ट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यू विल बी यूजिंग दिस मशीन वाइल्ड स्लीपिंग। एडवांस्ड एल्गोरिदम वाली मशीन में इतने जेंटल प्रेशर चेंजेस होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता प्रेशर डेविएशंस का, और इन मशीन्स की ओवरऑल थेरेपी क्वालिटी भी मच बेटर होती है। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी स्टैंडर्ड वर्सेस एडवांस्ड एल्गोरिदम वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एडवांस्ड एल्गोरिदम आपको मिलता है रेजमेड एयरसेंस ऑटोसेट, ऑक्सीमेड स्लीप इजी, फिलिप्स रेस्पिरोनिक्स और लोवेनस्टीन प्रिज्मा स्मार्ट प्लस जैसी मशीन्स में। पॉइंट नंबर 2, ऑटो ऑन ऑफ। इस फीचर से जैसे ही मास्क लगाओगे तो मशीन ऑन हो जाएगी और हटाओगे तो ऑफ। शायद ये फीचर सबको अभी जरूरी ना लगे, लेकिन वंस यू स्टार्ट यूजिंग देयर इज नो गोइंग बैक। काफी लोग रात में वॉशरूम जाते हैं या फिर पानी पीने के लिए उठते हैं, उनके लिए यह फीचर काफी यूजफुल है। पॉइंट नंबर 3, अर्गोनॉमिक टिल्टेड डिस्प्ले। इसमें मशीन की स्क्रीन एक ऐसे एंगल पर डिजाइंड होती है जिसे आप लेटे हुए या बैठे हुए बहुत आराम से देख सकते हो। इसे टिल्टेड डिस्प्ले भी कहते हैं। मार्केट में आज भी आपको काफी ऐसे मॉडल्स मिलेंगे जिनमें स्क्रीन टॉप साइड पे होती है जिसे आपको ऊपर उठ के देखना पड़ता है, लेकिन सारी बड़ी ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स में आपको ये अर्गोनॉमिक टिल्टेड डिस्प्ले मिलेगा ही आज की डेट में। पॉइंट नंबर 4, हीटेड ह्यूमिडिफायर। वैसे तो आजकल सभी मशीन्स के साथ हीटेड ह्यूमिडिफायर मिलता ही है, फिर भी कुछ लोग 2-3 हज़ार रुपये बचाने के लिए ह्यूमिडिफायर के बिना परचेज कर लेते हैं मशीन, और फिर उनको एयरवे ड्राइनेस और नॉस्ट्रल ब्लीडिंग जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू ऑलवेज बाय द मशीन विद अ ह्यूमिडिफायर एंड दैट टू हीटेड। इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, डेटा रिपोर्टिंग। जब भी सीपैप मशीन लो तो ऑलवेज मेक श्योर कि कोई कंपैटिबल सॉफ्टवेयर आए जिससे आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे अपना स्लीप डेटा देख सकते हो, क्योंकि बाद में जब डॉक्टर को थेरेपी रिपोर्ट दिखानी होगी तो एटलीस्ट कुछ तो हो आपके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए। काफ़ी सारी मशीन में डेटा रिपोर्टिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं आता और वो कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो कोई तरीका ही नहीं है सॉफ्टवेयर ढूंढने का। पॉइंट नंबर 6, CSA डिटेक्शन। अगेन हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव के साथ सेंट्रल स्लीप एपनिया के इवेंट्स भी अब होने लग गए हैं तो इस फीचर की हेल्प से मशीन सिर्फ प्रेशर बढ़ाएगी जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इवेंट होगा, और अगर सेंट्रल स्लीप एपनिया होगा तो बिना प्रेशर बढ़ाए आपको रिपोर्ट के थ्रू नोटिफाई कर देगी, विच इज द राइट अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट। तो आपको वही प्रेशर मिलता है जहां उसकी एक्चुअली में जरूरत है, और सेंट्रल स्लीप एपनिया में प्रेशर इंक्रीज करने का कोई काम नहीं होता। ये फीचर यूजुअली आपको सिर्फ एडवांस एल्गोरिदम वाली मशीन्स में ही मिलेगी, और इस फीचर की वजह से आप इनअप्रोप्रिएट प्रेशर रिस्पॉन्स से बच जाते हो। पॉइंट नंबर 7, प्राइस एंड वारंटी। सब मशीन्स के बेस्ट प्राइस देखने के लिए आप गूगल कर सकते हो सीपैप मशीन प्राइस लिस्ट बाय ऑक्सीजन टाइम्स, और फिर आप ऑक्सीजन टाइम्स के लिंक पे क्लिक करके लेटेस्ट प्राइसेस देख सकते हो और यहाँ से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू चेक दी वारंटी एंड सर्विस सेंटर्स, वो भी हमारी वेबसाइट पे मेंशनड है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।